मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। वो तो बेजुबान था, उनकी गलत इंजेक्शन की वजह से मर गया। आए अब मैं कहाँ से उसको लाऊं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सायका नौशीन है। 3 मरतबा मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा मैं कोशिश रहती हूँ, फ्रंट लाइन पर रहती हूँ। लेकिन मेरे अपने साथ एक ट्रेजेडी ऐसी हुई जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी और के साथ ना हो सके, कि हमारे घर का पालतू मुर्गा जो 4 साल से हमने पाला हुआ था और इतना वेल ट्रेंड था, इतना स्पेशल था, इतनी उसमें क्वालिटीज थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हल्की सी माइनर सी तकलीफ पर, मतलब तकलीफ ही नहीं कहते, हल्की सी उसको भीड़ पतली सी आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि इसको डॉक्टर को चेक करा लेते हैं या वैक्सीन करा ले, जो भी कर ले। बहरहाल गारापुर हॉस्पिटल हम उसको लेकर गए 1 बजे, तो वहाँ पर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, पता नहीं वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था या कोई उनका ड्राइवर था, मास्क लगाया हुआ था उसने, तो हम समझ नहीं पाए। उस ना तजुर्बाकार शख्स ने पता नहीं कैसा टीका लगाया उस बंटी को, हमारे मुर्गे को, कि उसको एकदम वो पैरालाइज हुआ। पहले पैरालाइज होने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी, तो वहीं से हमने गाड़ी मंडिया मिजाइल चौक वाले डॉक्टर्स की तरफ मोड़ी, उनको जाके मैंने दिखाया, मैंने कहा देखिए ये उसने ये ट्रीट किया है, मुर्गे का ये हाल हो गया। तो उन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि मुर्गे के साथ तो अलग जाने इसको या तो इंजेक्शन गलत लगा है, रिएक्ट हो गया है, या फिर कोई ऐसा काम किसी नए बंदे ने ऐसी नायली से इसको ट्रीट किया है कि इसकी अब बचने का कोई चांस नहीं है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। वो बस बातें हो ही रही थी कि मुर्गे की जान चली गई। अब वो मुर्गा ऐसा था कि वो मुर्गा हमारी फैमिली मेम्बर जैसा था। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी 1 बजे दिन को मंडे वाले दिन कहाँ था, वो खुद कहाँ था? क्या अपनी जगह वो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को मास्क पहना कर ड्राइवर बना कर वहाँ खड़ा कर देता है, और फिर जो भैंसों का या गधों का या बंदरों का या बिल्लियों का कुत्तों का जो लोग इलाज करते हैं, क्या वो परिंदों का भी कर सकते हैं? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जिस तरह इंसानों के मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, आँखों के अलावा, कानों के अलावा, आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, लाइक दिस, तो क्या ये इन एनिमल्स के, बर्ड्स के, जिनके नाम पर ये लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल करते हैं, कॉलोनीज में अच्छे अच्छे घरों में इंजॉयज करते हैं, इतने इतने पैसे कमाते हैं, ऐसे 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 आवाम को लूटते हैं, ओरिजिनल वैक्सीन नहीं लगती है, ओरिजिनल मेडिसिन अंदर से नहीं दी जाती है, वो बाहर से परचेज करनी पड़ती है, इनकी अपनी दुकानें होती हैं, तो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन बेजुबान परिंदों जानवरों के साथ। मैं बनी हूँ अब जबान इन बेजुबान चीज़ों की, इन बेजुबान एनिमल्स की, बर्ड्स की, मेहरबानी करके इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और तमाम आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिनके पास पेट्स हैं या घर में एनिमल्स हैं, वो अपनी आंखें खोल के जाएं, अपने कानों को खुला रख के जाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर एक चीज़ की अपने पास सबूत रखें। मेरे पास तो उसकी पूरी ऑडियो वीडियो मौजूद है जो उसने किया, मुर्गे को मारा, किसी और का इस तरह पेट ना मरे, चाहे घर का जानवर है या पेट है वो ना मरे, इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू।